मैच द फॉलोइंग कॉलम वन विथ कॉलम टू. ऑस्ट्रेलियोपिथिकस. ऑस्ट्रेलियोपिथिकस एप जैसा है. और हमने बोला डायरोपिथिकस कैसा है. ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का एप मैंने बोल दिया ना. ज्यादा किसके जैसा है. एप जैसा है. ठीक है. डायरोपिथिकस ज्यादा है एप लाइक और रामपिथिकस मोर मैन लाइक. ठीक है. होमोइरेक्टस स्किनल कैपेसिटी है 900 cc. और निंडरथाल मैन जो होते हैं वो कैसे करते हैं. डेड ब्रियल. निंडरथाल मैन सो डेड ब्रियल एंड है ना. हाइट ये यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड दे बरीड देयर डेड बॉडीज है ना. बट डेड बॉडी को बर्ड करते हैं कौन. निंडरथाल मैन. ठीक है. तो अपने पास क्या हो जाएगा. सी का टू. और डी का क्रो मैन. कल का क्वेश्चन आ गया. कल का क्वेश्चन आ चुका. कल भी क्वेश्चन आया था हमने पास कि हमने विच द फॉलोइंग फीचर इज एसोसिएटेड विद द क्रो मैग्नन मैन है ना. बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर नो. डेवलप ऑफ स्पीच सेंटर नो. केप पेंटिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यस. तो क्रो मैग्नन मैन किसका काम करते हैं. केप पेंटिंग का काम करते हैं. तो डी का फोर हो जाएगा. तो डी का फोर और ए का वन डी का फोर. वाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लोटेशन इन इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज इन को एक्सटिंक्शन कॉल्ड. इसको बोलते हैं एविल क्वाड्रेट. मतलब चंडाल चौकड़ी. एविल क्वाड्रेट बोलते हैं ये सब. ये चार ऐसे बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेन कारण हैं ना. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लोटेशन इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शन. एविल क्वाड्रेट मतलब चंडाल चौकड़ी भी बोलते हैं इनको. ये रहा एविल क्वाड्रेट. ओके. सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके. एडेप्टिव रेडिएशन आर्सोनम. एडेप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. यस हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो होते हैं. एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया से निकले और डाइवर्ज कर गए. तो पहला स्टेट अपने पास क्या है. सही है. और ओरिजिन ऑफ अर्थ अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो. नो. अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था. और 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था यूनिवर्स की ओरिजिन. किसकी ओरिजिन हुई थी. यूनिवर्स की. गलत हो गया अपने पास. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज न्यू डार्विनिज्म. नहीं. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वो ऑपरिन हाल्डन की थ्योरी. दैट इज दैट स्टेट दैट केमिकल इवोल्यूशन से हमारा लाइफ ओरिजिनेट हुआ है. ये वाला गलत हो गया. न्यू डार्विनिज्म नहीं है. पेनिसिपल में लाइफ इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. नहीं. ये बायोजेनेसिस है जो कि इन्होंने नहीं दिया था. पेनिसिपल में बोलता है कि लाइफ जो होता है स्पोर्ट्स की फॉर्म में आया था. यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स. तो ये गलत हो गया अपने पास. तो ये पहला सही है अपने पास. सही है. पहला कौन सा सही है. पहला वाला. विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ सेक्रेट ग्रुप इन इंडिया. सेक्रेट ग्रुप के लिए हमारे पास लोकेशन गलत कौन सा है. सेक्रेट ग्रुप की बात कर लेते हैं. सेक्रेट ग्रुप जो होता है हमारे पास कहाँ पाया था. काशियन जयंतिया हिल्स है ना मेघालय में. और रावी हिल्स कहाँ पे है. राजस्थान में. रावी हिल्स यूपी में नहीं है. ये वाला गलत हो गया अपने पास. कौन सा गलत हो गया. ये वाला गलत हो गया पहला. और गलत ही हमसे पूछा. काशी जयंतिया हिल मेघालय में है. वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है. तमिलनाडु में सॉरी कर्नाटका में. केरला में और महाराष्ट्र में है. सरगुजा चंदा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सही है. ये तो यहाँ पे भी सही है. यहाँ पे भी बोला गया है. सही है. और हमने पास रावली राजस्थान में है. रावली हिल्स. ठीक है. तो ये वाला गलत हो गया. विच द फॉलोइंग कनेक्शन आर नॉट ट्रू अबाउट द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. स्पेशल क्रिएशन मतलब भगवान ने बनाया है दुनिया को. तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है. स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बोलती है द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर एगो ओल्ड. यस. तो सही है अपने पास. बी वाला सही है. हमने पूछा गलत बताओ. नॉट ट्रू. तो ये वाला सही है. ऑल लाइफ ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड एज सच. ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे इज क्रिएटेड एज सच है ना. बिल्कुल. इसको क्रिएट कर दिया एज सच. ये भी सही है अपने पास. स्पेशल थ्योरी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी. देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म. नहीं. कोई इवोल्यूशन नहीं था. लाइफ डाइवर्सिटी Diversity that the diversity was always the same since creation and will be same in future. ये भी सही बोल रहा है. स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऐसा ही बोलता है. लेकिन सी नहीं. सी जैसा गलत नहीं बोलता वो. वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेट एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी. वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से. क्या बता रहा है. ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को बता रहा है ना. तो सही है. चलो. Which set of factor can move the oxygen dissociation curve toward the right? Right ले जाना है. मतलब यहाँ पे ऐसे ले जाना है. तो मैंने binding क्या करनी है. कम करनी है oxygen के साथ. Binding क्या करनी है. कम करनी है. Binding कम करने के लिए क्या करो. pH को कम कर दो. मतलब H plus को बढ़ा दो. और PO2 क्या कर दो. कम कर दो. या फिर temperature क्या कर दो. बढ़ा दो. या ये सब चीज़ें क्या है. या फिर PCO2 बढ़ा दो. ये सब क्या है कि ये सब चीज़ क्या करेंगे. शिफ्ट करेंगे उसको राइट की तरफ.
या फिर ठीक है ना, तो इतना करते हैं हम लोग। तो पूछा गया है तो राइट, हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच, नहीं हाई पीएच नहीं होना चाहिए, लो पीएच होना चाहिए, लो पीएच होना चाहिए ठीक है ना, और लो पीओ टू एंड लो पीएच, यस सही है, दोनों सही है। और हाई पीओ टू नहीं होना चाहिए, लो पीओ टू होना चाहिए, लो पीसीओ टू नहीं होना चाहिए, हाई पीसीओ टू होना चाहिए, जो कि राइट की शिफ्ट करेगी। तो हमारे पास बी सही है, बी सही है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहला क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस दो दो में है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम जेनेटिव सेल बाय माइटोसिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। से हमारे पास जेनेटिव सेल जो होगा वो डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि जेनेटिव सेल हैप्लॉइड होता है, गैमेट भी हैप्लॉइड होने हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो पहला मेगास्पोरोजेनेसिस, दूसरा गैमेटोजेनेसिस। ट्रेकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ, ट्रेकिया जो होता है वो कब कितने लेवल पर डिवाइड करता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री T5 पे डिवाइड करता है। ये कहाँ पे डिवाइड करता है, T5 पे डिवाइड कर जाता है ट्रेकिया, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक। ओके, द फॉलोइंग प्लांट अरेंज द फॉलोइंग स्टेप, ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले तो मेगास्पोर बनेगा, तो मेगास्पोरोजेनेसिस सबसे पहले होगा, फिर क्या होगा, मेगास्पोर तो बन गया, फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इसका एंडोस्पर्म का, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा एम्ब्रियो का, फिर क्या हो जाएगा, अरे हमने बीच में एक मिक्सचर कर दिया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, और एम्ब्रियो सैक बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो बी ए डी सी ई डैश अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सीक्रेट डैश एंजाइम विच कन्वर्ट ट्रिप्सिन टू ट्रिप्सिन, ठीक है ना। तो अपने पास जो अपने पास क्या है कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है ना, बिल्कुल म्यूकोसा, एक्ट्रोकाइनेस दैट इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि ट्रिप्सिन को किसमें कन्वर्ट कर, ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। इनएक्टिव होता है ट्रिप्सिनोजन, उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम है एंट्रोकाइनेस का, जो कि कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलेगा एंट्रोकाइनेस दैट इज एन एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है कि सही है, ये बताना है। टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री, है ना, बिल्कुल, द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री, द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री न्यूक्लियर, देखो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, जो मैग्नेटिक डिवीजन होता है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास, सही हो गया, पहला स्टेटमेंट अपने पास सही है, सही है, सही है, सही है। ओके, देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आउट ऑफ 8 न्यूक्लियर 6 आर सराउंडेड बाय ना सेल वॉल, यस 6 जो होते हैं वो सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं, है ना। 6 में क्या होगा, सेल वॉल होगा, लेकिन जो बीच में जो पूरा न्यूक्लियर है वो सेल वॉल से सराउंडेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला सही है अपने पास। सेंट्रल सेल जस्ट सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, जो सेंट्रल सेल होता है इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग एपरेटस, द सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग एपरेटस, जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग एपरेटस, सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग एपरेटस, सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग एपरेटस। सेंट्रल सेल, ठीक है ना, तो सेंट बिलो, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई है आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो बिलो एग एपरेटस के बिलो है पोलर न्यूक्लियाई, मतलब सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। तीनों सही है अपने पास, तीनों सही है, ऑल आर करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लिए हमको गलत बताना है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लिए हमको गलत बताना है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये बात इंपॉर्टेंट कि 80-85% पार्ट को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कंसिस्ट करते हैं, 80-85% पार्ट को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बनाते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो किसमें काम नहीं आते, दे डज नॉट प्ले एनी रोल इन फॉर्मेशन ऑफ
यूरिन, क्योंकि ये क्या है, छोटे हैं, छोटे हैं तो कोई कंसंट्रेट करने में कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इनकरेक्ट बताना है अपने को, इनकरेक्ट अपने को इनकरेक्ट बताना है। दिस आर मेनली कंसर्न विद यूरिन कंसंट्रेशन, नो यूरिन कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। दे हैव शॉर्टर लूप ऑफ हेनले, सही है सही है। दे डू नॉट हैव ए मेजर रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी सही है सही है। दे लैक एसोसिएशन विद रॉसर एट, ये भी सही है सही है। ये गलत है, ये गलत है, पहला वाला गलत है ना। तो हमारे पास 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना। दे हैव जस्टा मेडल नेफ्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिन कंसंट्रेट करने में काम आते हैं। जिनके पास लॉन्ग हेनले लूप होता है और जिनके साथ एसोसिएट होता है कौन, वॉसर एक्टा, ठीक है ना। इनके पास लॉन्ग होगा किसके पास, जस्टा मेडल के साथ। लेकिन जो मैक्सिमम होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, पहले भी क्वेश्चन आ चुका, कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैक्सिमम होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम। ओके, तो अपने पास पहला क्या है, गलत है, गलत ही पूछा है हमसे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज ऑटोगैमी, है ना। सेम फ्लावर के एंथर टू स्टिग्मा, तो ये क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। तो पहला ऑटोगैमी हो जाएगा, ऑटोगैमी दो में है, ठीक है, ऑटोगैमी दो में है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज जिटिनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज जिटिनोगैमी। तो दूसरा जिटिनोगैमी, तो यहाँ पे ऑटोगैमी, फिर जिटिनोगैमी, फिर जिनोगैमी, तीसरा जिनोगैमी होना है। ओके, हमको बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, यस, कि मसल्स की वजह से हमारे पास कंट्रेक्शन होता है ना। तो कॉकरोच का क्या होता है, न्यूरोजेनिक, क्योंकि उसके पास नर्व जो होते हैं वो उसके मसल हार्ट कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने बात किया ह्यूमंस के अंदर और फ्रॉग के अंदर मायोजेनिक हार्ट होता है। आवर बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बट नॉट स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत बोल रहा है यार। स्ट्रोक वॉल्यूम भी हम अल्टर कर सकते, तो इसमें गलत हो गया कि हम कार्डियक का ना, हम हार्ट बीट को भी अल्टर कर सकते हैं, हम स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एडिनलिन मेडुला है ना, एडिनल मेडुला हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं हमारे पास हार्ट, है ना, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है ना। पी वेव इन द ईसीजी मार्क्स द आर्टेरियल सिस्टोल, यस, ईसीजी में जो पी वेव होता है, ओके, पी वेव इन द ईसीजी ये रहा, ये हो गया आर्टेरियल सिस्टोल, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हो गया वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टर बोल दिया। तो एंटिकल्स है ना, तो जो पी वेव है वो क्या बता रहा है, एट्रियल सिस्टोल को, तो ये अपने पास सही है। एडिनल मेडुलरी हार्मोन एक्ट ऑन द एसए नोड टू इंक्रीज द हार्ट रेट, सही है, अभी वही पद दिखा है, बिल्कुल। तो अपने पास एक ही गलत है, दो सही है। ओके, हाउ मेनी आर करेक्ट, तीन स्टेटमेंट से कितने करेक्ट हैं, दो करेक्ट हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कॉमेलाइना एंड वायोला जीनोगैमस फ्लावर, गलत है, दे आर ऑटोगैमस, है ना, हमने बोला दे कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, वायोला और कॉमेलाइना, वायोला एंड ऑक्सिलिस कैलिस्टोगैमस फ्लावर, सही बात है। और कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो ऑटोगैमस होते हैं, दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ठीक है। तो ये अपने पास सही हो गया बी। और टोमेटो चिली कैलिस्टोगैमस नहीं है, कैप्सेला ब्रासिका कैलिस्टो चेस्मोगैमस फ्लावर, गलत। हमारे पास चेस्मोगैमस देखते हैं सर, चेस्मोगैमस में कौन कौन आते हैं अपने पास, चेस्मोगैमस में हमारे पास आएगा वायोला, और वायोला क्या बोलते हैं, कॉमन पेंसी, ऑक्सेलिस एंड कॉमेलाइना, दिस आर प्लांट दैट प्रोड्यूस कैलिस्टोगैमस फ्लावर। जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो कभी खुलते ही नहीं हैं, जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं कभी खुलते ही नहीं है, जमीन के नीचे पाए जाते हैं ये, एंड दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। दोनों इन प्लांट्स में कॉमेलाइना वायोला एंड ऑक्सेलिस में दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, कैलिस्टोगैमस भी पाया जाता है और चेस्मोगैमस भी पाया जाता है, दोनों तरह के, ठीक है ना। चेस्टोगैमस फ्लावर जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं जमीन के नीचे, ठीक है। ओके, तो अपने पास दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केबल, देखो पोस्ट केबल का मतलब है वेनाकावा हो गया, वेनाकावा पोस्ट केबल से अपने पास, पोस्ट केबल या अपने पास हार्ट हो गया, हार्ट अपने पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केबल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस की वजह से यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, पुशिंग की वजह से नहीं, सक्शन पुल की वजह से नहीं, स्टिमुलेशन ऑफ एट्रिया साइनोट्रियल नोड, नहीं नहीं, प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से मूवमेंट होता है हार्ट में, हार्ट में क्या, ब्लड वेसल्स में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इन एल्गी एंड फंजाई बोथ गैमेट आर मोस्टली नॉन मोटाइल, नहीं, मोस्टली मोटाइल होता है कि पानी में होता है यार, एल्गी तो पानी में होता है, तो पानी में रहने का तो मोटाइल होना जरूरी है, तो ये गलत हो गया अपने पास। देखो जूस पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर फ्लैजिटेड, मतलब दे आर मोटाइल, ठीक है ना, दे आर मोटाइल। ओके, तो
तो यहाँ पे बात करेंगे है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली देयर मॉडल होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोगैमस, देखो गैमेट कैन बी सिमिलर इन साइज बट नॉट फ्लैजिलेटेड, है ना। फ्लैजिलेटेड हो जाएगा और सिमिलर इन साइज मतलब देयर आइसोगैमस एंड फ्लैजिलेटेड यूरोथ्रिक्स। यूरोथ्रिक्स में आइसोलेटेड सॉरी आइसोगैमस होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। और है ना स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा में क्या है, स्पायरोगायरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पायरोगायरा में अपने पास नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट पाते हैं एंड दे आर आइसोगैमस। आइसोगैमस होगा दो कंडीशन, फ्लैजिलेटेड की नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिलेटेड है तो यूरोथ्रिक्स में और नॉन फ्लैजिलेटेड तो स्पायरोगायरा में। ओके तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास क्या है, गलत है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल नहीं, मोस्ट ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। इंटरनल हमको बेटर स्कोप प्रोवाइड करता है भाई, जो ऑफस्प्रिंग है वो बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, सही बात है। हायर ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है, ओगैमस टाइप ऑफ प्रोडक्शन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो फीमेल लार्ज होगी और फूड स्टोरेज के काम आएगी वो स्टेशनरी होगी। तो अपने पास क्या है, करेक्ट पूछा, तो सी ओनली सी इज करेक्ट। द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन अकर इन पेयर। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए इनकरेक्ट बोला, तो इनकरेक्ट। तो हमारे पास बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, द टू एलील ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम जीन लोकस। देखो बात तो हमको ये पूछना चाहेगा, देखो और यहाँ पे तो गलत तीन चीज़ें गलत है, लेकिन हमको और ये बोला चाहेगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए सही तो सही है, हम बता सकते हैं। शायद इन लोग इन प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछना चाहते होंगे, फिर नॉन इनकरेक्ट पूछना चाहते होंगे। तो पेयरिंग एंड सेपरेशन, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ, आंसर में ये दिया ना, तो पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ फैक्टर दे कैरीड। यही तो क्या बोल रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो पेयर ऑफ जो जीन्स होते हैं वो भी जो मतलब जो पेयर ऑफ जीन एलील जो होते हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम लोग करते हैं किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप है तो उसकी जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस की हेटरोजाइगस को पता लगाने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ एलील इन ऑफ अ जीन, नहीं, फाइंड नंबर ऑफ एलील ऑफ अ जीन गलत। डिटरमाइन टू स्पीसीज है ना, डिटरमाइन टू स्पीसीज विल ब्रीड सक्सेसफुल, नो। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इन द एफ टू जनरेशन, यस है ना, एफ टू जनरेशन या फिर एफ फोर जनरेशन में जीनोटाइप पता लगाने के लिए। ब्रीड वेदर द ट्रू ट्रेड आर लिंक्ड और नॉट, नो नो, तो लिंकेज की बात कर रहे हैं, नहीं, थ्री सही है, सी सही है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस करते हैं, हमने बोला जीनोटाइप को पता लगाने के, डिटरमाइन है ना, ठीक है ना, है ना, बिल्कुल। डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, द रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। सो द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड स्टेटमेंट, है ना, अल्फ्रेड स्टेटमेंट के साथ कौन सा चीज एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अल्फ्रेड स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है 2019 के नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अल्फ्रेड स्टेटमेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप, ठीक है। तो जीन जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट दिया था किसने, जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड स्टेटमेंट ने, ठीक है। जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड स्टेटमेंट ने, ठीक है, ठीक है। नीचे द फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डू वी ऑब्जर्व द फीचर लाइक अ लॉन्ग फॉलोड टंग एंड अ शॉर्ट स्ट्रक्चर। डाउन सिंड्रोम में हमने देखा कि सर हमारे पास जो इसके जो है ना, इसके जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड टंग देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड टंग, ठीक है ना, फॉरवर्ड टंग एंड हमारे पास फॉरवर्ड टंग देखने को मिलेगा। और ये शॉर्ट स्टेटमेंट होते हैं, हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपने पास, ठीक है ना, हाइट में छोटे होंगे और हमारे पास फॉरवर्ड टंग। तो ये अगर डाउन सिंड्रोम के लिए, दैट इज ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम। साहिवाल इन पंजाब वे डेवलप थ्रू आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड कॉ। एंसेस्ट्रल वाइल्ड कॉ के हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया और डोमेस्टिकेशन किया, जिससे हमने साहिवाल, जो कि साहिवाल की बात करें तो एक हमारे पास मिल्च ब्रीड है, ठीक है ना, जो कि दूध देने वाली, ठीक है। वर्नलाइजेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, वर्नलाइजेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग, ठीक है ना। वर्नलाइजेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोस थ्रू ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, इस लाइफ स्पैन होता है, ये तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, देखो ये लिखते हैं एनसीईआरटी, इट इज क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन।
लो टेम्परेचर से अगर हम फ्लावरिंग कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, कल को पेपर में आया था लो टेम्परेचर अगर फ्लावरिंग करें तो क्या कहेंगे, वर्नलाइजेशन। अगर लो टेम्परेचर हम डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे हैं डॉर्मेंसी को तो क्या कहेंगे, स्टेटिफिकेशन। तो ये अपने पास सही है, फ्लावरिंग इंड्यूस बाय अल्टरिंग द न्यूट्रिएंट सप्लाई गलत है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ सही है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज इट इज ग्रोथ रेट इन द होल लाइफ नहीं, इट इज ग्रोथ थ्रू ग्रोथ फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ नो, मेजरमेंट एंड द कंपेरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट एरिया यस, ग्रोथ पर यूनिट एरिया इनिशियल पैरामीटर जो रिलेटिव ग्रोथ रेट बात कर रहे हैं, डी जो स्टेटमेंट है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहा है, सी अपने पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहा है। साइक्लोस्पोरिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, साइक्लोस्पोरिन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ना, देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम क्या करते हैं साइक्लोस्पोरिन को ऑब्टेन करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है ना, और ट्राइकोडर्मा बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइसिटिस, एक फंगस है, ये क्या है, एक फंगस है ट्राइकोडर्मा है ना, ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस ठीक है। ओके Select the incorrect match from the following: yeast ethanol. ये अपने पास सही है. Yeast ethanol, Saccharomyces cerevisiae से ethanol मिलता है. Certain blood cholesterol lowering agent सही है. Streptokinase, clarification of bottle juice नहीं. Streptokinase जो होता है, वो हमारे पास clot buster होता है. Streptokinase is a clot buster. Streptokinase क्या होता है? Clot buster होता है, ठीक है ना? और बॉटल जूस को क्लेरिफाई करने के लिए पैक्टिनेस का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीजेस का इस्तेमाल करते हैं, पैक्टिनेस और प्रोटीजेस का, क्योंकि हम लोग घर में जो जूस बनाएंगे थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं टीवी में ना, क्या टीवी में क्या खरीद के आते हैं तो फीज हो गया तो एप्पल जूस हो गया, तो ये सब जो होते हैं ना वो क्लेरिफाई होते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं पैक्टिन और प्रोटीन डाल देते हैं, जिससे वो सेल वॉल क्या होती है डाइजेस्ट हो जाती है। लाइपेस रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन यस, लाइपेस से क्या करेंगे ऑयल स्टेन को रिमूव करेंगे, लाइपेस से क्या करेंगे ऑयल स्टेन को रिमूव करेंगे, लाइपेस से क्या करेंगे ऑयल स्टेन को रिमूव करेंगे, लाइपेस से क्या करेंगे ऑयल स्टेन को रिमूव करेंगे, तो अपने पास ये सही है, तो ये गलत हो गया अपने पास सी, तो इनकेट पूछा अपने पास सी हो जाएगा। चलो द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन द ईयर ऑफ 1989 में क्या हुआ हमारे पास इफेक्टिव हुआ 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लिया गया था ओजोन डिप्लीशन की वजह से, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, और ये अपने पास पहली बार जो हुआ था ना ये साइन हुआ था 1987 में, लेकिन इफेक्टिव हुआ था 1989 में। अहमद खान ऑफ एज 57 ईयर ओल्ड, बहुत सालों से 57 ईयर ओल्ड में ही पड़े हुए हैं, इज अ प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चर इन द बेंगलोर फॉर द लास्ट 20 ईयर, ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ पॉलीब्लेंड ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था पॉलीथीन को क्या कर दिया पाउडर कर दिया, इसको मैंने बोला पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड के फॉर्मेशन के लिए अहमद खान है ना, बिल्कुल। और रमेश चंद्र आगर के काम आता है, रमेश चंद्र आगर आए थे किसके लिए इंटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है। ओके रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर डायडल्फस कंडीशन वैक्सिलरी एस्टाइवेशन नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन अबव कैरेक्टर बिलोंग टू फैमिली फैबेसी, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, मतलब ये हमारे पास बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, और ये जो होते हैं ये डायडल्फस होते हैं, कैसे होता है ये डायडल्फस है ना, देखो 9+1 अरेंजमेंट एक होगा और यहाँ पे 9 वाले है ना दो होंगे ठीक है, एक में 9 होगा और एक में 1 होगा। ओके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, डाइकॉट की फैमिली है ये